अस्सलाम वालेकुम। आज हम जूसी बादशाही घर में ही परफेक्ट मेजरमेंट और इजी से ट्रिप ट्रिक के साथ बनाकर दिखाएंगे। इस बादशाही बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मैदे लिया है और इसको बोल में डाल लेके इसके अंदर 2 पिंच साल्ट डालेंगे। साल्ट से टेस्ट इन्हेंस होता है। और 50 ग्राम घी को ऐड करते हैं। घी के प्लेस में ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी को मैदे को अच्छी तरह मिला लेना है। इसे मिलाते वक्त ही हम इसके अंदर 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर अवेलेबल नहीं तो इसके प्लेस में 4 चम्मच दही, 2 पिंच खाने के सोडा भी ऐड करके बना सकते हैं। और इस बेकिंग पाउडर को भी हमने हाथों से मसलते हुए आटे को बना लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आटे को मिलाने के बाद पकड़ने से मुट्ठी में बंद होना है आटा। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को समट लेते हुए गूंद लेना है। इस आटे मिलाने के लिए 100 ml पानी लगेगा। इस आटे को ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस समट लेते मिलाते जाना है। यहाँ पे देखिए हमने गूंद लिया है और इस आटे को हम रेस्ट पे रख देंगे 15 मिनट। इसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने बोल में 200 ग्राम चीनी को डाल लिया है और इसमें 100 ml पानी डाल के इस चाशनी को एक तार आने तक मिडिल फ्लेम में पकाएंगे। इस चाशनी पकाते वक्त ही हम इसके अंदर इलायची पाउडर सॉफ्रन को डालेंगे। आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं सॉफ्रन को। यहाँ पे चाशनी को चेक करके दिखाते हैं। चम्मच से उठाने से लास्ट ड्रॉप धीरे से गिर गए और एक ड्रॉप पीछे जाना चाहिए। परफेक्ट चाशनी है, एक तार आया है। देखिए हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, हम बादशाही बनाएंगे। इस आटे को हमने 50 मिनट से ज़्यादा रेस्ट पर रखे हुए है। अरे थोड़ा सॉफ्ट बन गया है और फ्लेक्सी फ्लेक्सी है। अब देख सकते हैं इसको आटे को हमें ज़्यादा मिलाया नहीं है। और इस आटे से हम छोटे साइज़ में पेड़े कर लेते हैं और हथेली में राउंड करके हल्का सा दबा देके पेंसिल से इसके बीच में होल करेंगे। ऐसे ही सारे बादशाही को बना लेते हैं। साइड पे रख के इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल को मिडिल हीट कर लिया है। तेल की हीट को चेक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आटा डालने पर धीरे उठना चाहिए। और एक एक करते हुए बादशाही को डाल लेंगे। जितने तेल में माते हैं उतने ही बादशाही को डाल लेते हुए फ्लेम को लो करके फ्राई करेंगे। इससे अंदर तक पके रहेंगे बादशाही, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट रहेंगे। आप देख सकते हैं इन थोड़ी देर के बाद ये फूल गए हैं। इसका साइज़ डबल हो गया है। इस बादशाही को हम साइडों को चेंज करते हुए क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं लो फ्लेम में ही। हमारे बादशाही की रेसिपी आपको अगर पसंद आई तो एक लाइक कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिए। और हमने क्रिस्पी गोल्डन कलर आने के बाद ही इनको साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे क्रिस्पी फ्लेक्सी बादशाही रेडी हो गए हैं और इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं क्रिस्पीनेस का। और ये चाशनी को भी ऑब्ज़र्व कर लेंगे। हम चाशनी में डालेंगे इसको और चाशनी को फिर से हम दोबारा थोड़ा गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम इस बादशाही को डाल लेते हुए चम्मच से इसको दबा देंगे चाशनी में। और इसको फिर से दोबारा 30 सेकेंड के बाद इसको टर्न कर लेते हुए फिर से हम इसको दूसरे साइड भी चाशनी को भी नहीं रखेंगे। हम थोड़ा सा ही गरम कर लिया है चाशनी का, फ्लेम ऑफ कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं बादशाही चाशनी को। और यहाँ पर हम 1 मिनट के बाद इसको साइड पे काट देंगे। बाजार जैसी जूसी जूसी बादशाही थोड़े ही समय में इतने सारे बनेंगे और मज़ेदार रहेंगे। ऐसे ही हमने सारे बादशाही को बना लिया है। यहाँ हमने प्लेट को भी सजा लिया है और इसको खोल के भी दिखाते हैं आपको।
देखिए जूसी जूसी रेडी हो गया है। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।